वहीं बहराइच हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गोलीकांड के आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका। तो यूपी एसटीएफ की चार टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों ने लाइसेंसी बंदूक से मारी थी राम गोपाल मिश्र को गोली। तो ये बड़ी खबर, मूर्ति विसर्जन के दौरान विवाद बरपा था। अब इसमें बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही कि गोलीकांड के आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका। यूपी एसटीएफ की चार टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी है। तो आरोपियों ने लाइसेंसी बंदूक से राम गोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। संवाददाता अक्षय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आपका रुख करना चाहेंगे, बहराइच हिंसा से जुड़ी ये बड़ी जानकारी, आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका। जी देखिए, बिल्कुल, आरोपियों की रिश्तेदारी नेपाल में इस बात की सूचना मिल रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि ये नेपाल भागे, और जो यूपी एसटीएफ है और जो पुलिस की तमाम टीमें हैं वो उसकी नेपाल में भी तलाश कर रही है, ऐसा इनपुट मिला है। नेपाल में भी लगातार पुलिस अपने सोर्सों से इस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और जानकारी मिल रही कि जल्द ही इस आरोपी को भी बहराइच पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। बहराइच में देखिए, अमिताभ यश चूंकि एसटीएफ चीफ है और एडीजी एलओ है, उनका भी लगातार यहां पर कैंप, लगातार ये जो मुख्य आरोपी है, क्योंकि आक्रोश अभी नहीं थमा है, आपको बता दूं, देखिए योगी आदित्यनाथ ने जो पीड़ित परिवार, जो रामगोपाल मिश्रा जिसको गोली मारी गई थी, उसका परिवार, उसकी माँ, उसका पिता और उसकी पत्नी और साथ ही साथ जो स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह थे वो मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जहां पर 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनके परिवार को दी गई, साथ ही साथ जो अन्य सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ दिए जाने की बात कही और ये चेक भी उनके परिवार को दिया जा चुका है। आपको बता दूं, सुरेश्वर सिंह ने यहां पर आरोप लगाए थे, जो स्थानीय सीओ हैं उनकी भी भूमिका पर सवाल उठाए थे, जो रूपेंद्र गौर थे, तो अब शासन द्वारा उनको हटा दिया गया। यहां पर एक रवि पोखर नाम के नए सीओ को चार्ज मिला है अग्रिम आदेश तक। तो अभी भी लगातार माहौल वहां पर शांत है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण अभी भी है। जी बिल्कुल, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो आरोपी है परिवार समेत नेपाल भागने की फिराक में है। अब ये जो जानकारी आई है उसके बाद किस तरह से सजगता को बढ़ाया गया है ताकि अगर नेपाल ये लोग पहुंच जाते हैं तो चुनौती और बढ़ जाएगी अक्षय प्रशासन के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल में जाने के बाद में चुनौती बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर जो घटना स्थल है, जो आरोपी का घर है, वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 60-70 किलोमीटर की दूरी है नेपाल बॉर्डर की। तो लगातार पुलिस जो नेपाल बॉर्डर का इलाका है या आसपास के जितने भी इलाके जहां जहां इनकी जो रिश्तेदारी है या इनके जो लिंक्स हो सकते हैं उसको खंगालने में जुटी हुई है। तमाम गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं, इसमें अब तक 50 से ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी सूत्रों की माने तो 10 लोगों को कल भी गिरफ्तार किया गया है, जिनकी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। साथ ही साथ जो मुख्य लगातार पुलिस तैयार कर रही है नेपाल भागने की आशंका से बिल्कुल भी लगता है। ठीक है अक्षय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं बहराइच हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां महसी के सीओ रुपेंद्र गौर को किया गया निलंबित। तो देखिए, पुलिस की हिलावाली सामने आ रही थी, जिसके बाद लगातार एक के बाद एक कार्रवाई की गाज अधिकारियों पर भी विधायक सुरेश्वर सिंह ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई सीओ पर हुई है। तो महसी के सीओ रुपेंद्र गौड़ को निलंबित किया है। तो देखिए, एक तरफ जहां आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार कवायद में तेज में जुटा है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे ही लाहवाली जो अधिकारी हैं जिनकी तरफ से इस पूरे मामले में की गई है उन पर कार्रवाई की गाज गिरते नजर आ रही। तो महसी के सीओ रुपेंद्र गौड़ को निलंबित किया गया है। संवाददाता अक्षय कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से अक्षय आपका रुख करना चाहेंगे। एक तरफ आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कार्रवाई तेज है, दूसरी तरफ ऐसे हिला हवाली बरतने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही साथ कल ही जो अभी जानकारी जो मिली कि कल ही पीड़ित से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात करके उनको आश्वासन दिया कि जो आरोपी है उसको तो बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही साथ जिन लोगों की भी, जिन भी पुलिसकर्मियों या अधिकारियों की लापरवाही सामने आएगी उनको भी, वो चाहे जिस स्तर के हों उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसमें जो उसी दिन घटना वाले दिन ही एसओ जो हरदी एसओ थे एसके वर्मा और साथ ही साथ जो महसी तहसील चौकी प्रभारी थे उनको सस्पेंड किया गया था, और अभी कल जब विधायक सुरेश्वर सिंह जो यहाँ महसी के स्थानीय विधायक है भाजपा से, इनके साथ में जब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से मिला और वहां से निकलने के बाद में जो सुरेश्वर सिंह है उन्होंने सीओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे, तो उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही। सीओ रुपेंद्र गौर को हटा दिया गया, यहाँ पर नए सीओ को अभी अग्रिम आदेश तक चार्ज दिया गया है, रवि पोखर नाम के। चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अक्षय। तो लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी गई थी, आरोपियों की धरपकड़ तेज है, तो वहीं लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो रही है। वहीं इस बीच नोएडा से बड़ी जानकारी है, जहां डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ, तो पिछले 24 घंटों में 6 नए मरीज जो है